हम लोग यहाँ पर हैं एफ ब्लॉक में, और ये सर हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। ये अपनी दास्ता बताएंगे कि इन्होंने क्या हार्डशिप फेस की। मैं मैम यहाँ पे आया हूँ जो है 2018 में, यहाँ कोचिंग वगैरह किया, और जब कोचिंग मैंने किया था 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये नियर अबाउट फीस वगैरह में निकल गया। उसके एक साल बाद मेरी कोचिंग कंप्लीट होने के बाद जस्ट तुरंत लॉकडाउन लग गया, और लास्ट वैकेंसी हमारी यूपी जुडिशरी, मैं जुडिशरी स्टूडेंट हूँ, और 2018 बाद से यूपी गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी नहीं। और हम जो है इसलिए यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यूपी के हैं, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी की है। तो लॉकडाउन के पश्चात 2 साल जो गैप रहा, वैकेंसी नहीं आई, लॉकडाउन हुआ, प्लस इकोनॉमिकली हम लोग इतना टूट भी गए, चाहे परिवार हो, हम भी एक कॉमन फैमिली से हैं, तो इकोनॉमिकली एक स्टेबलनेस बहुत ज़रूरी होती है। वो सारी चीज़ें देखते हुए हमें लगता है कि हर एग्ज़ाम के तहत एज रिलैक्सेशन के साथ साथ स्टूडेंटों को जितनी सहूलियत बरतनी चाहिए सरकार से, चाहे वो जल्द से जल्द वैकेंसी निकालना हो, चाहे जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के उनको अपॉइंटमेंट देना है, वो सरकार को उस पर अधिक से अधिक काम करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और 2 साल का एज, 2 साल का जो है, अभी हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर पे अभी आज ही संज्ञान लिया है कुछ, तो अभी उसका फिक्स नहीं किया बट संज्ञान लिया है, देखिए क्या करते हैं। उम्मीद है कि 2 साल की जो है एज रिलैक्सेशन देंगे। और सब स्टूडेंट कम्युनिटी से ये डिमांड है कि वो अपने हक की लड़ाई में सामने आए, और जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे आपकी डिमांड कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं। इसलिए सारी स्टूडेंट कम्युनिटी को एक साथ आना जरूरी है ताकि आप एक वोट बैंक का पार्ट बने और गवर्नमेंट प्रेशर में आके आपके लिए सोचे, एक वेलफेयर स्टेट की भूमिका में आए। बिल्कुल बिल्कुल, आना ही पड़ेगा। थैंक यू।